हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। भाई आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग दिखाएंगे कैसे खेती बाड़ी होता है यहाँ पे। देख सकते हैं इधर पानी वाला मोटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। तेरे बाप को कभी कभी काम ऐसा पड़ता है फट जाती है। सुबह से लगा हुआ हूँ, फाइनली हमारे खेत में पानी आ चुका है। देख सकते हैं इतनी खुशी। तो गाइस देख सकते हैं इधर कुछ सब्जियां लगी हुई है, दिखाता हूँ। अभी छोटे छोटे पौधे हैं, अभी पानी नहीं डालेंगे इसमें तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। अब इस खेत में भी पूरी नमी नहीं रह चुकी है क्योंकि मौसम ही इतना कड़ा हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, मौसम इतना ज़्यादा धूप निकला हुआ है। अभी सब्जियों के पौधे बहुत छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप लोग, और खेत में भी नमी नहीं रह चुकी है। गाइस एक डेढ़ घंटे तक लगातार पानी चलने के बाद देख सकते हैं पूरा खेत भर चुका है पानी से। अभी पानी चल ही रहा है, अभी इधर थोड़ा सा बाकी है, इधर थोड़ा सा बाकी, अभी पानी अभी चल ही रहा है। तो जो कहता है ये काम आसान है, तो आओ हमारे गांव, भाई तुमको दिखाते हैं कितना ज़्यादा आसान है, कितना ज़्यादा इसमें मेहनत। ये रही पाइप, अब इस इधर का काम हो चुका है तो इसको इधर से लपेटेंगे। इतना काम तो अभी कुछ भी नहीं है, जो गांव के किसान हैं उनसे पूछना भाई कि कैसे मेहनत होता है, कैसे खेती होती है। भाई बहुत मेहनत लगती है। गाइस तो लाइट कटा था, अभी लाइट आया हुआ है मगर पानी नहीं आ रहा है, शायद से पानी छोड़ दिया है। जा रहे हैं भाई, मोटर चालू ही होगा। ऐसे में मोटर हीट हो जाती है भाई जब फ्रीज चलने लगती है। तो देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा मेहनत है। मोटर पानी छोड़ दिया भाई, फिर से बंद करना पड़ेगा, फिर से दोबारा से अब पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा इसको। तो फिर से आधे घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली मोटर पानी उठा लिया। देख सकते हैं पानी जा रहा है इधर पाइप में। फाइनली हमने पानी फिर से स्टार्ट कर दिया है। और इधर बगीचे में देख सकते हैं आप लोग, इधर बगीचे में बंदर है सब। बगीचे में बंदर है आया है सब। डर इस बात का है ये पाइप को ना फाड़े, बस डर इसी बात का है बस। हवा निकल गई वरना इन लोगों से कोई डर नहीं। देख सकते हैं बंदर इतने नज़दीक है। कोई अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बात तो सत्य है। तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। सब खेल रहा है, बंदर खेल रहा है सब। भाई गांव देहात में अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है। जैसे लोग देखते हैं तो उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं। भाई बंदर इतने पास पास आने लगे कि मुझसे रहा नहीं गया। पॉकेट में कुछ भुजा वुजा रखा था मैंने, निकाला तो ये खाने के लिए आ गए। तो मैं देखिए खिला रहा हूँ भुजा वुजा, ये देखिए भाई कितना क्यूट सा लग रहा है। देखिए आप लोग, एक और बंदर आ गया इधर से। गाइस तो देख रहे हैं आप लोग, मैं बंदरों को खिला रहा हूँ कुछ, ये भुजे हैं, भुजे भुजा खिला रहा हूँ मैं इन लोगों को। देखो कैसे हाथ पकड़ रखा है ये, मैं ठीक नहीं खा, आराम से आराम से खा। भाई ये आ गया बड़ा बंदर, भाई सब बंदर चले जा रहे हैं इधर उधर, मगर ये छोटा सा बंदर जा ही नहीं रहा, बार बार मेरे पास ही आ जाता है। निकाल कर इसको भुजा खिलाना पड़ता है, देख लीजिए।